अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खरीद से होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। दुआएं आपकी। और आज एक बार फिर नईम भाई ऑक्शन में आ गया है शारजा में। जो गाड़ियाँ इंपोर्ट की जाती हैं दूसरी कंट्री से, वो गाड़ियाँ आप देख सकते हैं पीछे बहुत पड़ी हुई हैं। और मज़ीद और ऐसी गाड़ियों की वीडियो देखने के लिए जो लोग नए हैं चैनल पर, मेक श्योर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप लोगों को गाड़ी दिखाता हूँ कि कौन कौन से मॉडल और कौन कौन सी गाड़ियाँ इधर पड़ी हुई हैं। ये बेसिकली यूरोप कंट्री से, अमेरिका से, यूके से, कनाडा से इंपोर्ट की जाती हैं और बाद में शारजा में आती हैं। इधर ऑक्शन करते हैं, इनको सेल किया जाता है। एक एक गाड़ी की बिट लगाते हैं, बोली लगाते हैं। दोस्तों यहाँ पे है मर्सिडीज़ बेंज का मॉडल, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त और टू डोर गाड़ी है। एक डोर इस साइड में और एक डोर उस साइड में, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त और कमाल का गाड़ी है। और ये फ्रंट से हिट हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ से जस्ट बम्पर, बॉनेट, फेंडर और हेडलाइट टूट गया हुआ है। और आप लोगों को अगर पता है तो गलनगुड़, अगर नहीं पता तो मैं आपको लोगों को बता दूं, जो मर्सिडीज़ की गाड़ियाँ हैं वो तकरीबन तकरीबन अल्मोनियम में आती हैं, इनके अंदर लोहा नहीं यूज़ किया जाता। ये देखें, ये टोटल अल्मोनियम है, ये लोहा नहीं है। ये देखें, ये टूट गया हुआ है। इस तरह से मर्सिडीज़ की गाड़ियाँ जो वो अल्मोनियम में आती हैं। अगर ये देखें, ये वाली गाड़ी, इसके अंदर आप देख सकते हैं लोहा यूज़ किया जाता है, इसको जंग लगा हुआ है। अगर ये अल्मोनियम होता तो इसको जंग नहीं लगना था, इसलिए मर्सिडीज़ की क्वालिटी जो है वो उसके अंदर है, अल्मोनियम के अंदर है, इसलिए इसको जंग नहीं पकड़ा और ना ही इसको जंग पकड़ेगा ना खाएगा। तो चलिए चलते हैं आगे, इसका एक बैक साइड से और व्यू देख लें। बैक साइड कैसी नज़र आएगी, माशाल्लाह लुक अमेजिंग है गाड़ी का, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कमाल का है। और ये वाला गाड़ी जो है ये हुंडई का है। हुंडई आजकल बहुत गाड़ियाँ निकाल रही है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त और कमाल का गाड़ी है ये भी। और जस्ट इसका भी बोनेट, फेंडर, बम्पर आगे से ये हिट हुआ है, इसका चेसिस बच गया हुआ है, चेसिस बराबर पड़ा हुआ है। और ये गाड़ी लोहे में है, अल्मोनियम नहीं है, इसलिए इसको आप लोग देख सकते हैं कि जैसा कि जंग नज़र आ रहा है। माशाल्लाह लेक्सस IS 250 ये पड़ा हुआ है, ये भी फ्रंट से एक्सीडेंट हुआ है, ये साइड से आप देख सकते हैं एक साइड हिट हुआ है बस, बाकी गाड़ी ओके है, बिल्कुल सेम लाइक न्यू है। और जो उसका कलर है वो ग्राफिक कलर में है, कमाल की गाड़ी है और कलर भी कमाल का है। और आप देख सकते हैं जिन गाड़ियों के ऊपर ये सोल्ड का स्टिकर लग चुका है, ये गाड़ी सेल हो चुकी है। और ये वाली गाड़ी अभी सेल नहीं हुई, इसके ऊपर स्टिकर नहीं है। तो ये करोला का मॉडल है, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त और कमाल की गाड़ी है ये भी। मर्सिडीज़ में देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पड़ा हुआ है, बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है माशाल्लाह। ये देखें मर्सिडीज़ तो भाई मर्सिडीज़ है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। मुझे इसमें जो बेहतरीन चीज़ लगती है इसके अंदर, जो अल्मोनियम यूज़ किया जाता है इन गाड़ियों में, वही है कि इन गाड़ियों को जंग नहीं पकड़ता, ख़राब नहीं होती। आप देख सकते हैं जैसा कि इसके अंदर ब्रेक कि ये वाले जो पैड हैं ये जंग खा चुके हैं, बाकी गाड़ी को जंग नहीं खा सकता क्योंकि वो अल्मोनियम की है। इसके 5 स्टार के रिम माशाल्लाह कमाल के हैं। दोस्तों यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा पड़ी हुई हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पड़ी हुई हैं। ये देखें, ये भी मर्सिडीज़ है और कमाल की गाड़ी हैं, उसके साथ ऑल्सो मर्सिडीज़ है, इसके भी 5 स्टार के रिम मस्त हैं। और बाकी गाड़ी आप देख सकते हैं बहुत क्वान्टिटी में पड़ा हुआ है। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को सब गाड़ी जो एक एक करके दिखाता जाऊँ आगे। दोस्तों ये आप देख सकते हैं रेड कलर में टोयोटा का मॉडल है, माशाल्लाह बहुत कमाल का गाड़ी है। और उसके साथ होंडा ओडिसी का मॉडल है, वो भी कमाल का है। उसके साथ आगे आ जाते हैं जी शिवरलेट, शिवरलेट भी कमाल का मॉडल है माशाल्लाह, ब्लैक कलर में बहुत ज़बरदस्त। उसके आगे फिर GMC आ जाता है, ये भी कमाल की गाड़ी है माशाल्लाह, ये देखें बेहतरीन और बड़ी गाड़ी, स्टेशन गाड़ी है ये। और उसके बाद फिर टोयोटा आ गया, ये देख सकते हैं कैसे एक्सीडेंट हुआ है गाड़ियों का, इस तरह से ये पीस डैमेज है, बस इनको रिप्लेस करके गाड़ी वापस नया बन सकता है। और उसके बाद आ जाता है जी टोयोटा सियाना, माशाल्लाह इसका भी आप देख सकते हैं एक ही डोर लगा हुआ है, बाकी गाड़ी बिल्कुल नया है। और उसके बाद है जी माय गॉड माशाल्लाह टोयोटा एक्ट्रिया, सॉरी निसान एक्ट्रिया, ये भी बहुत मस्त गाड़ी है, कमाल की गाड़ी है। लॉन्ग रूट में जाने के लिए, मट्टी में जाने के लिए ये गाड़ियाँ बहुत पावरफुल हैं। उसके बाद आता है जी निसान अल्टीमा का मॉडल, ये भी कमाल का गाड़ी है। उसके साथ फिर आता है शिवरलेट, माशाल्लाह माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया और कमाल की गाड़ी है। और जस्ट इसका एक डोर एक्सीडेंट हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद आता है जी निसान का मॉडल है, ये कौन सा मॉडल है नहीं मालूम है, शायद मरानो का होगा,
और उसके बाद फिर है जी टोटल। इस साइड में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे टोटल छोटी कारें जो सलोन का गाड़ियाँ हैं वो पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं। जैसा कि ये होंडा का मॉडल है, सॉरी निसान अल्टिमा का मॉडल है, और ये भी कमाल का गाड़ी है। उसके साथ किया स्पोर्टेज, और इसका आप देख सकते हैं ये फ्रंट से एक्सीडेंट बहुत बैडली हुआ है। और उसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या क्या है, देखें माशा। दोस्तों मैं बोल रहा था कि ये वाली गाड़ी जो ये भी शिवरलेट का मॉडल है, और ये देखें बहुत बढ़िया कमाल का गाड़ी है माशाल्लाह। उसके साथ आ जाता है जी नॉर्मल हमारा टोयोटा कैमरी, टोयोटा कैमरी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, कलर इसका अच्छा नहीं है। और उसके बाद देखें ये वाला मॉडल माशाल्लाह रेड कलर में, इसका भी फ्रंट से एक्सीडेंट हुआ है। और इसी तरह बहुत गाड़ी तादाद में पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में पड़ा हुआ है इधर, और बहुत कमाल की गाड़ी है माशाल्लाह। अगर आप लोगों ने यहाँ से गाड़ी ख़रीदनी है, स्पेशली जो लोग यूएई में हैं, दुबई में, तो इनका जो एड्रेस है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग इनसे कॉन्टैक्ट करके इनकी लोकेशन पे आके यहाँ से गाड़ियाँ उठा सकते हैं। ये बहुत चीप प्राइस में बहुत सस्ती गाड़ी हैं, ज़्यादा महंगी गाड़ियाँ नहीं रहती इन लोगों की। ये मर्सिडीज़ का मॉडल है माशाल्लाह, ये भी बहुत ज़बरदस्त और कमाल का गाड़ी है, इतनी महंगी नहीं है गाड़ियाँ इधर। ये भी थोड़ा सा एक्सीडेंट हुआ है फ्रंट से, और इसका ग्लास भी टूटा हुआ है। तो इनकी बिट लगती है, जो लोग इधर हैं उनको तो मालूम है, बोली लगाई जाती है, फिर एक एक गाड़ी करके वो लोग उठा लेते हैं इनको। और बहुत ज़बरदस्त है इनका, बाहर से मैं जो इनका बोर्ड है उनका फ़ोटो एड्रेस टोटल लेके आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, टोटल आप लोगों को दिखाऊंगा, और आप लोग इनसे कॉन्टैक्ट करके यहाँ से गाड़ियाँ उठा सकते हैं माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। और मेरी फेवरेट गाड़ी जो है ये लेक्सस, ओ माशाल्लाह लेक्सस 430। इस गाड़ी का लुक आप देखें माशाल्लाह, और बताएं कि नईम भाई आपका जो फेवरेट गाड़ी है वो आप लोगों को कैसा लगा। कितनी गाड़ियाँ पड़ी हैं लेकिन मेरी फेवरेट कार लेक्सस 430 है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसका इंजन बहुत पावरफुल है। और उसके बाद शिवरलेट का मॉडल है, इस तरह से बहुत कमाल की गाड़ियाँ पड़ी हैं। अभी इनका जो रेट लिस्ट है वो नहीं लगाया अभी, वो लड़का मैंने देखा नोट कर रहा था, और उसके बाद इंशाल्लाह इनका जो रेट लिस्ट है वो भी लगा देंगे इनके ऊपर। और इनका जो ऑनलाइन है वो भी वहाँ पे भी ये लोग शो करते हैं कि ये गाड़ी यहाँ से स्टार्ट होगी, यानी कि 8,000, 5,000, 3,000, 4,000 इतनी रेंज में ये गाड़ी स्टार्ट होगी, और बाकी आगे इसकी जो बिट है वो लगती जाएगी। देखिए माशाल्लाह बहुत कमाल की गाड़ियाँ इधर पड़ी हुई हैं, और बहुत ही चीप प्राइस में रहती हैं ये गाड़ियाँ। और इसी तरह से ये देखें इनके पास बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में गाड़ियाँ पड़ी हुई हैं, ये देखें टोटल गाड़ी गाड़ी पड़ा हुआ है। तो अभी देखते हैं आगे उसके अंदर बीच में, उधर भी गाड़ी बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, आप लोगों को मैं कोशिश करता हूँ कितनी मैक्सिमम दिखा सकूँ दिखाता हूँ। तो चैनल पे नहीं है तो मेक श्योर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्यों आप लोग सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे तो हमारा हौसला अफजाई रहता है, हम लोग और आप लोगों के लिए वीडियो ऐसी लेके आते रहते हैं। तो ये देखें ये दूसरा लाइन आ गया है बीच में, टोयोटा हुंडई निसान, ओ हो, इसका तो बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ फ्रंट से, आप देख सकते हैं जैसा कि। और उसके बाद है ये वाला गाड़ी ब्लैक कलर में माशाल्लाह एकदम चकास है, और कौन सा मॉडल है ये, क्लासिक है, मेरा इंग्लिश इतना स्ट्रांग नहीं है आप पढ़ सकते हैं, गेंसिस है, ब्लैक कलर में यार कमाल का लग रहा है मॉडल ये वाला। और उसके बाद आ जाता है जी टोयोटा कैमरी, ओ माशाल्लाह ये भी नया वाला मॉडल है, और पीछे से एक्सीडेंट हुआ है बैडली डैमेज। और यहाँ पे है निसान अल्टिमा, ये आप देख सकते हैं जो स्टिकर लगे हुए हैं रेड वाला, ये सेल हो गया हुआ है, ये भी सेल हो गया हुआ है, ये भी सेल हो गया हुआ है। जो गाड़ियाँ सेल हो जाती हैं इनके ऊपर स्टिकरिंग कर देते हैं कि ये गाड़ी सेल हो गई है, अभी इसकी बिट नहीं लग सकती। और इसके ऊपर ये क्या रखा है, चैम्पियन है, शायद ये किसी चैम्पियन की गाड़ी थी, क्योंकि ये यूरोप कंट्री से गाड़ियाँ उठाई जाती हैं। ओ माय गॉड बहुत गाड़ी है, और यहाँ पे कलरफुल गाड़ियाँ हैं रेड कलर में, वो भी बहुत ज़बरदस्त लग रही हैं दिखने में ज़रा। लेकिन जितनी भी महंगी गाड़ियाँ हैं ब्रांडेड गाड़ियाँ हैं वो लोहे के अंदर नहीं आती, और ये देखें ये भी लोहा नहीं है, ये भी एलुमिनियम के अंदर आप देख सकते हैं इसका, ये अगर लोहा होता तो इसको जंग ने खा लेना था, जैसे ये इधर से ये थोड़ा आप देख सकते हैं ये एक्सीडेंट हुआ तो इसका जंग आ चुका है अभी, तो इसमें जंग नहीं आएगा क्योंकि ये अल्मोनियम में गाड़ियाँ आती हैं। जितनी भी एक्सपेंसिव कारें होती हैं ब्रांडेड कारें होती हैं BMW, रोज रोए और मर्सिडीज़ वगैरह, ये इसमें आती हैं अल्मोनियम में, इसलिए इनको जंग नहीं पकड़ता, जंग नहीं खाता। ये देखें इसका भी
आप देख सकते हैं कि जंग किधर भी बॉडी में नहीं है, इधर भी लगा हुआ है, उधर भी लगा हुआ, लेकिन जंग नहीं नज़र आएगा आप लोगों को माशाल्लाह। और ये देखें, ये भी एलुमिनियम है, ये लोहा नहीं है। अगर लोहा होता तो इसमें जंग आ जाना था अभी तक। किधर भी आप देख सकते हैं इसमें जंग वगैरह जो है वो नहीं है। हाँ, इस गाड़ी का मुझे डिटेल मिल गया, ये कितना तक है और कहाँ से इसका स्टार्ट होगा। ये टोटल लिखा हुआ है इसके ऊपर कहाँ से, कलर रेड, ये टोटल इसका डिटेल जो है दिया हुआ आप देख सकते हैं। चेसिस नंबर पूरा यानी कि दिया हुआ, एमिरेट्स नहीं चली यहाँ पे, वो टोटल डिटेल में इस तरह से दिया रहता है। ओ माशाल्लाह BMW मिल गया, देखें इसका भी इधर से एक्सीडेंट हुआ है, बाकी गाड़ी मस्त है। यह है BMW, इसका लोगो और कमाल का गाड़ी बना रखा है दोस्तों। इस तरह से देखते हैं ये टोयोटा कैमरी, आप देख सकते हैं ये UAE में बहुत मोस्ट डिमांडेड कार है, बहुत ज़्यादा लोग इसको पसंद करते हैं क्योंकि इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो, और ये काम ज़्यादा नहीं निकालती, स्ट्रॉन्ग गाड़ी है ये भी, एक स्मार्ट गाड़ी कह सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे जो दूसरी कंट्री में इसका नंबर था वो भी लगा हुआ है अभी तक। और उसके बाद है ये वाला डोज, माशाल्लाह ये देखें डोज का मॉडल है, और साथ में फिर करोला आ गया हुआ है, टोयोटा कैमरी सॉरी। उसके बाद फिर कैमरी ये कौन सा है, लेकिन ये गाड़ियाँ आप देख सकते हैं लोहे के अंदर है, इनको जंग आप देख सकते हैं नॉर्मली ये जब एक्सीडेंट होती हैं तो इनको जंग लगा हुआ, और इनका लोहा भी इतना स्ट्रांग नहीं है, इसकी वजह से ये एलुमिनियम होता तो इसको जंग नहीं लगता। और ये देखें माशाल्लाह ये भी कमाल की गाड़ी है, क्रैसलर है शायद, क्रैसलर है जिसने, क्रैसलर का मॉडल है माशाल्लाह, बहुत ही बढ़िया गाड़ी इधर पड़ी हुई है। और उसके बाद ये वाला ब्लैक कलर में देखें माशाल्लाह कलरफुल गाड़ी, येलो टोयोटा का ही मॉडल है, और ये कलर बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया कलर ने इसको दिखने में भी, और गाड़ी का जो लुक है कॉम्बिनेशन ब्लैक पीछे बीच में नीचे ब्लैक मैट का जो दिया हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं लोहे के अंदर है, एलुमिनियम नहीं है मेरा भाई। और बाकी बहुत जबरदस्त, हाँ जी भाजी मैं मार दें। और ये देखें माशाल्लाह शिवरलेट का मॉडल है, और कमाल का टू डोर है ये भी, शिवरलेट है कौन सा है ये देखें, जितनी भी महंगी गाड़ियाँ हैं वो लोहे के अंदर नहीं आती, आप देख सकते हैं टोटल एलुमिनियम है। और ये तो लगता है कि जंगल में घुसा दी थी इसने जब एक्सीडेंट किया इसका। बाकी गाड़ियाँ बहुत, आप लोगों को कैसे लगी आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस गैरेज में दोस्तों। आई होप आप लोगों को गाड़ियाँ और वीडियो पसंद आई होगी, और अगर किसी भाई को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझसे कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि ये गाड़ी कैसे उठाई जाती हैं, किधर मिलती हैं शारजा में, मैं पूरी लोकेशन आप लोगों को बताऊँगा। वैसे इनकी जो लोकेशन है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग आ सकते हैं, इनके साथ बिट लगा के गाड़ी यहाँ से उठा भी सकते हैं। बाकी क्या तरीका कार रहता है वो भी पूरी इन्फॉर्मेशन आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह मैं देने वाला हूँ आप लोगों को। तो जो लोग चैनल पे नए हैं मेक श्योर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, आई एम नईम कंटर फॉर मोर वीडियो। और किसी भाई को किसी की चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नॉर्मली। तो इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नईम भाई को इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, डू टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।